भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं। तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, देश के जो पंत प्रधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं। इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास, इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना, पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो सेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी चलाकी कर रहे हो, हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, आ कहानी अपना कर रहे हो। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र, कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें, अजय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे। वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं। इन पुराना हिंदी सिनेमा देखिएगा ना, तो उसमें अभी भी तांगा है। 16 फिल्म जाके देख लीजिएगा, बसंती का एक तांगा है, धन्नो। तो धन्नो के आंख पे एक चश्मा होता है,
ताकि धन्नो इधर उधर ना देखे, धन्नो सीधा चले, चाबुक खाए और दौड़े। ये हमारे साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। हमारी और आपकी एकता इस देश में परिवर्तन की नई इबादत लिख सकता है। इसीलिए जो हमारे मन की बात है, वो मन की बात आपके जो मन में है वो बिल्कुल एक सा है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम देश के किसी भी इलाके में रह रहे हों, चाहे उत्तर में रह रहे हों या दक्षिण में, पूरब में रह रहे हों या पश्चिम में, हमारा पूरा देश आज विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं तो हमारे और आपके बीच में संवाद होना बहुत जरूरी है, और उसी संवाद के सिलसिले में मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं मार्गदर्शन करने के लिए आपका नहीं आया हूं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। आप सब लोग रोज न्यूज देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे रोज कोई ना कोई मैसेज आता होगा। यहां नौजवान सब बैठा हुआ है, क्या व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आया है कि नेहरू जी मुसलमान हैं? आया है कि नहीं आया है? आया है ना। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मैं यहां इतिहास की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लोदियों का शासन था दिल्ली में, तो बाबर तोप लेकर के आया था। तकनीक नई थी, और उस नई तकनीक के बदौलत बाबर ने लोदियों को हरा दिया और मुगल राज की स्थापना हो गई। मुगल का राज चलने लगा, और बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो यहीं पर रहे, यहीं पे उन्होंने शादियां की, और उनके बाल बच्चे जो हैं वो राज करने लगे। फिर अंग्रेज बंदूक लेकर के आए, मुगलों के राज को समाप्त किया, और अंग्रेजों की राज जो है वो स्थापित हो गई। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर। और जब मैं पुनर्जागरण की धरती कहता हूं, तो पुनर्जागरण की धरती कहने का क्या मतलब है? पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप यह जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। कई बार हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके व्हाट्सएप पे यह भी मैसेज आता है कि जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो, ये अच्छा हो गया। कई बार आप लोगों के सामने ये मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। ये तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। और सत्य की ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके, चंपारण जब गांधी गए थे तो किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए गए थे, महिलाओं को जब इकट्ठा किया पिकेटिंग आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए, तो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आदिवासी आंदोलन कर रहे थे,
दलित आंदोलन कर रहे थे, सेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था, और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। आज यह बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं, आज फिर एक तकनीक की ताकत लेकर के कोई आया है जिसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया। बताइए, नाम है सोशल मीडिया और काम इसका सबसे ज्यादा अनसोशल है, सबसे ज्यादा अनसोशल है। अनसोशल कैसे है, घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो तो देखिएगा कि 4 लोग मोबाइल लेकर के ना ऐसे कोना में मुंह घुमाए रहता है। यह हमको सोशल नहीं बना रहा है, यह हमको अनसोशल बना रहा है। इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान है, 9वां कि 10वां? अगर हम 10वां हैं तो पहले तुम बता दो कि तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो गई है, पूछना चाहिए ना। मैं ये कहानी अक्सर लोगों से पूछता हूं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद भारत में हम आजाद नागरिक हैं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद का मतलब होता है अपने ख्यालों से आजाद होना। आजाद का मतलब होता है सत्य को परख करके झूठ और सच का फर्क करना। आजाद का मतलब होता है कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं साड़ी पहन करके, उनका भी वोट एक है, और यहां जो कुर्सी सजाए हुए हैं आमदार, इसमें से हो जाएंगे कोई खासदार, उनका भी वोट एक है। बोलिए, है कि नहीं है? आजाद होने का मतलब यह होता है कि हम भी अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही कानून लागू होगा, और इस देश का कोई मंत्री भी अपराध करेगा तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होना चाहिए। आजाद होने का मतलब होता है कि अगर सत्य है हमारे पास तो हम सत्य की ताकत पर सत्ता से सवाल कर सकते हैं। आजाद होने का मतलब होता है खुली हवा में सांस लेना, अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना, और राज्य और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिक की जरूरतों को पूरा करे। यह होता है आजाद होने का मतलब। हमको पता भी नहीं चल रहा है कैसे धीरे धीरे स्नेह स्नेह हमारी आजादी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, और हमारी जो सोचने की क्षमता है, ऐसे ही आप पुनर्जागरण की धरती के लोग नहीं हैं। आप इसलिए पुनर्जागरण की धरती के लोग हैं क्योंकि आपकी मिट्टी से संत तुकाराम पैदा हुए। इसीलिए आप पुनर्जागरण की धरती हैं कि आपकी मिट्टी से सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पैदा हुए। इसीलिए आप पुनर्जागरण की भूमि हैं कि आपकी मुट्ठी पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको अपनी कर्म भूमि बनाने का काम किया। आप इसलिए पुनर्जागरण की भूमि हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की कोई भी धारा हो, चाहे क्रांतिकारी धारा हो या उदारवादी धारा हो, तमाम तरह के सपूतों को आपकी मिट्टी ने पैदा किया है। आप इसलिए पुनर्जागरण की धरती हैं क्योंकि आपके यहां क्रांतिकारी कवि अन्ना भाऊ साठे पैदा हुए हैं। यह जो इतिहास है आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के साहू जी महाराज तक, यह इतिहास आपका स्वर्णिम इतिहास है। लेकिन आज आप देखिए कि इस मिट्टी के जो लोग हैं उनको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। एक सवाल हम यहां खड़ा होकर के पूछें, हमारे एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं यहां पे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप पवार वाले एनसीपी हैं, हम आपको यही कहेंगे कि आप सच्चा एनसीपी हैं, वो खरीदा हुआ एनसीपी है। आप सच्चा एनसीपी हैं, और वो भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं।
तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं और मैं ऋणी हूं। मैं ऋणी हूं महात्मा गांधी का, मैं ऋणी हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मैं ऋणी हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं ऋणी हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, सरोजिनी नायडू का, मैं ऋणी हूं उनका कि वो अंग्रेजों से लड़ करके हमको आजादी दिलाए, मैं ऋणी हूं लाल बहादुर शास्त्री का, मैं ऋणी हूं इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कि जो आजादी हमारे पुरखों ने हमको दिलाई, जो आजादी हमको हमारे संविधान ने दिया, उस आजादी को ये लोग बचा करके रखे। इसीलिए तो एक साधारण नौजवान जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, वो आप तमाम लोगों के सामने माइक लेकर के इन तमाम नेताओं के सामने खड़ा होकर के भाषण दे रहा है। यह संविधान की ताकत है, यह उस आजादी के आंदोलन का इतिहास है कि आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कैसे यह आजादी हमसे छीनी जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। कैसे नए तकनीक का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के झूठ परोसा जा रहा है और सत्य को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह इतिहास नहीं बना सकते हैं। आपको मालूम है देश के जो पंत प्रधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वो इतिहास में फेल हो गए थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास, इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। मैं जितने संतों का नाम ले रहा हूं, जितने वीरों का नाम ले रहा हूं, जितनी वीरांगनाओं का नाम ले रहा हूं, बताइए एक का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है क्या? लेकिन हमको गर्व है कि हम जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसीलिए आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, सबसे पहले आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप उस पार्टी का हिस्सा हुए हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। उस पार्टी के आप सदस्य हैं जिसने इस देश में बराबरी के सिद्धांत को लागू किया है। बोलिए, इस देश में महिलाओं ने कोई आंदोलन किया था क्या? समान वोट के अधिकार का कोई आंदोलन नहीं किया था ना? समान वोट का अधिकार मिला कि नहीं मिला? लोग जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं उनका भी वोट एक, और जो साइकिल पे चलता भी उसका भी वोट एक है कि नहीं है? अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको लगता है कि 5 साल में चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर लेकर के कोल्हापुर सिटी की गलियों में नेताजी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े होते? बिल्कुल नहीं खड़े होते। तो जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर, ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं, मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं,
और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से, उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो सेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी चलाकी कर रहे हो हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, आ कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने, हम नागरिक हैं आज। आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र, कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना? राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना? राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना? राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना? और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी है तो पार्लियामेंट में है क्या? तो ये परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए, आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें, अजय शाह का है, उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं, इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए,
बोलिए, बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारा खेल हम समझते हैं। और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हम हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और यह मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया। और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना। और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज हमारे मुल्क में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरीके से हमारा ध्यान भटकाया जाता है। आजकल तो तांगा नहीं चलता है, अब तो तांगा चलना बंद हो गया है, लेकिन पुराना हिंदी सिनेमा देखिएगा ना तो उसमें अभी भी तांगा है। शोले फिल्म जाके देख लीजिएगा, बसंती का एक तांगा है धन्नो, तो धन्नो के आंख पे एक चश्मा होता है ताकि धन्नो इधर उधर ना देखे, धन्नो सीधा चले, चाबुक खाए और दौड़े। ये हमारे साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। हमसे टैक्स लेते हैं, टैक्स के पैसे से अपने दोस्त का कर्जा माफ करते हैं। हम खून पसीने की कमाई राष्ट्रीय बैंकों में जमा करते हैं। किसान अगर ट्रैक्टर का लोन ना चुकता करे तो किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। लेकिन 12 लाख करोड़ कितना था बंटी भाई? 12 लाख करोड़ अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर देते हैं। कहते हैं कि इस देश में शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, लगातार एजुकेशन के बजट को कम किया जाता है। लेकिन आपको मालूम है नेताजी सब रहने के लिए, और अभी बंटी भाई और पीएन पाटिल भाई आपस में बात कर रहे थे कि जो बढ़िया हिंदी बोलेगा वो दिल्ली जाएगा, जो भी जाए, जिसको भी आप भेजिए, लेकिन जब आप दिल्ली जाइएगा ना तो 20,000 करोड़ का महल बना है आप लोगों के लिए। कितना? 20,000 करोड़। हाय रे चोरी। अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है। रोड अगर बनाता है तो रोड बनने से पहले ही गडकरी जी टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। टोल टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? रोड हमने, अच्छा इसको एक खेल समझ लीजिए। कार जब आप खरीदिएगा, हमारे पत्रकार लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको तो कम से कम कार होगा ही, हैं? देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है,
महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है, तो कम से कम महाराष्ट्र के पत्रकारों तो कार जरूर होगा। तो कार जब आप खरीदते हैं तो रोड टैक्स लेता है कि नहीं लेता है? तो एक बार जब कार खरीदेंगे तब रोड टैक्स लेगा, और फिर जितनी बार कार लेकर के रोड पे जाएंगे तो टोल टैक्स लेगा। बोलिए सही है कि गलत है? बोलिए, डरिए मत, एक कैमरा उधर घुमा दीजिए। बोलिए सही है कि गलत है? गलत है ना। ये कैसा विकास है कि हमारा जो है ना शरीर से सिरिंज लगा करके खून खींचते रहता है रोज, हर तरह का टैक्स हमारे ऊपर लागू है। नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यूथ हॉस्टल है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, उस पर भी 12% का GST लगा दिया गया है। एक शिक्षा पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, अस्पताल पे टैक्स, दवाइयों पे टैक्स, हमसे हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं, और बदले में क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। वाह, कितना सुंदर शब्द है, आत्मनिर्भर बनिए। तो एक बात हमको बता दीजिए, सोच के बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं आप, आपका हक है कि आप सोचें, और उसमें भी आप महाराष्ट्र के हैं, आप आज सोचेंगे भारत उसको कल सोचेगा, इसीलिए आपको जरूर सोचना चाहिए कि अगर सरकारी रोड नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सब आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। बोलिए क्या आमदार साहब, बोलिए कि आपको पेंशन मिलेगा? ये जो यहां कांस्टेबल खड़ा है, क्या जी पेंशन मिलता है? तो बोलिए ना, इनको नहीं मिलता है। बोलिए, इसको देखिए और इसको समझिए। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आजकल अजीत दादा सलाम ठोक रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत दादा ने, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इलेक्शन डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया, ईडी, अब कोई घोटाला नहीं हुआ है, भाजपा के वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया है। अब दाग अच्छे हैं, क्योंकि दाग भाजपा ही है। इस खेल को आप समझिए कि कुछ भी सरकारी नहीं होगा तो सरकारी संसद किस लिए होगा? 20,000 करोड़ का सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए होगा? इस देश के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि इस देश में कितनी बड़ी लूट चल रही है। अंबानी का एक दिन का जो इनकम है, एक दिन का बोल रहे हैं, एक दिन का, उसमें एक दिन के इनकम में 75 लाख, कितना, 75 लाख मनरेगा के मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है। यह खेल हम नहीं समझेंगे। देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ऐसा कैसे हो गया भाई कि 2-4 लोग बहुत अमीर हो गए और बाकी जो जनता थी वो जो है हर चीज के लिए तरसने लगी है? पहले क्या बोले थे? पहले बोले थे कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा ना तो कंपटीशन होगा, इसीलिए कॉपरेटिव को समाप्त कर दो। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं पीएन पाटिल साहब कि आपका कॉपरेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि जया शाह का पप्पा कॉपरेटिव मंत्री बना है। वो जिस चीज के मंत्री बनते हैं ना, उसका बस जय श्री राम होता है। वो आजकल गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का काम है देश की कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखना। मणिपुर में कानून व्यवस्था सुरक्षित था, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? पुलिस थानों पे हमले हुए, हथियार लूट लिए गए, गोली लूट लिया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री जी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए थे। प्रधानमंत्री 22-22 घंटा काम करते हैं, तब जाकर के देश की यह हालत पहुंची है कि इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए मैं जो बोलता हूं तथ्य और प्रमाण के साथ बोलता हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक
सबको पक्का मकान मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला तो मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है? बोलिए, नंगा को नंगा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? झूठा को झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और हम कहेंगे जो झूठ बोलेगा उसको झूठा। और तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट में कितना दम है वो हम देखे हैं। जब आ रहे थे ना कोल्हापुर सिटी से मसाल के पीछे पीछे, तो कोल्हापुर का जेल देखते हुए आए हैं। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे, देखे हुए हैं। बोलेंगे झूठ, झूठा हो तुम, तुमने झूठ बोला है इस देश की जनता से। तुमने झूठ बोला कि हम इस देश के एक एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तुमने झूठ बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। तुमने झूठ बोला कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। तुमने झूठ बोला कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। तुमने झूठ बोला कि महंगाई को कम करेंगे। तुमने झूठ बोला कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार को कम करेंगे। तुम इस देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारी ताकत है झूठ बोलना। तो याद रखना कि तुम अगर झूठ के रास्ते पर चल सकते हो, फिर से इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच सकते हो, जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, आज उन्हीं दोस्तों के साथ खड़ा होकर के अगर उस देश में तुम कंपनी राज लाना चाहते हो, तो तुमको बता देना चाहते हैं कि हम भी महात्मा गांधी के राह पे चलने वाले लोग हैं। तुम्हारे झूठ का मुकाबला सच से करेंगे और तुम्हारे झूठ को हराएंगे। यह लड़ाई दो तरह के सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो है जो दिन दहाड़े बिना किसी लाग लपेट के झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो सच बोलते हैं। पहली लड़ाई है झूठ और सच की, दूसरी लड़ाई है डर और साहस की। बताइए, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया। झूल गया कि नहीं झूल गया? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद झूल गए कि नहीं झूल गए? और आप जान लीजिए, जितने क्रांतिकारी थे उनका केस अगर कोई लड़ता था तो उस वकील का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस बात को याद रखिएगा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, हमारे इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों की परंपरा है जो वीरता के साथ खड़ी होती है, तो एक तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले डरपोक लोग हैं, एक तरफ अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, जासूसी करने वाले डरपोक लोग हैं, दूसरी तरफ हम साहसी और बहादुरी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दूसरी लड़ाई है साहस और डर का, और तीसरी लड़ाई है कि वो समाज को हमेशा बांटने का काम करते हैं। हमेशा कभी जात के नाम पर बांटेंगे, कभी धर्म के नाम पे बांटेंगे। जहां धर्म होगा वहां धर्म का झगड़ा लगाएंगे, जहां धर्म नहीं होगा वहां जात का झगड़ा लगाएंगे। आप मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, वहां आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहां कैसे लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम राज्यों में ये राज्य के जो लोग हैं उनको आपस में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से इन्होंने एक चालाकी सीखी है, फूट डालो राज करो। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज महाराष्ट्र के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है कि कोई बाहर से आकर के संत तुकाराम की धरती पर रहने वाले लोग, समता भूमि पे साहू महाराज की भूमि में जन्म लिए लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि कोई बाहर से आकर के महाराष्ट्र के परिवार को आपस में विभाजित कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को लड़ा रहा है। यह मामला शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का नहीं है, यह मामला सच और झूठ का है, और महाराष्ट्र के लोगों को सच के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत है तो वह गलत है, वो भाजपा में जाने से ठीक नहीं हो जाता है। ये पहले क्या करते हैं, ये पहले ईडी भेजते हैं,
इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले जाता है, नेता को डराता है, अगर नेता डर गया तो तुरंत उसको भाजपा का खेस पहना करके उसके सारे अपराध को माफ करके, जैसे मान लीजिए पीएन पाटिल साहब और बंटी जी यहां बैठे हुए हैं, इनके घर पे भी कोई आया था मेहमान, इनको डराया था, तो जो ही ईडी जाती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चोर है चोर है चोर है, डर करके जो ही अगर ये भाजपा में गए, साधु है साधु है साधु है, संत है महात्मा है, अरे कमाल बात है भाई, ये आपकी आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, तीन चार राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आप सब लोग हैं ही महाराष्ट्र के, दूसरा जहां से मैं आता हूं बिहार, बिहार बंगाल और महाराष्ट्र जय शाह के पप्पा का धड़कन बढ़ा दिया है, ऊपर नीचे चल रहा है उनका ब्लड प्रेशर कि क्या होगा अगर यहां पे इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो यह नकली चाणक्य का बैंड बजने वाला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह मामला महाविकास आघाड़ी का नहीं है, यह मामला महाराष्ट्र के आम लोगों के आत्मसम्मान का है कि आप किसी को चुन करके किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके आप भेजते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद में, उधर से उसका इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है, तीन चार बार छापा मारता है, नेताजी अगर डर गए तो भाजपा ही हो लिए, अगर नहीं डरे तो कांग्रेस में रहे, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि इसका मुकाबला किसको करना है, इसका मुकाबला दल को करना है कि इसका मुकाबला देश को करना है, इसका फैसला आपको लेना है। और हमको लगता है कि यह बड़ी साजिश है, यह बड़ी साजिश इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आप सब में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा, जानते हैं हमको क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी सरकार है देश में, भाजपा की? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, भाजपा की? क्या जी पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत, है हिम्मत, करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा हो करके पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं महाराष्ट्र का, इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे, इस बात को याद रखना। है हिम्मत, डरा लोगे, याद रखना, जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है, जिस दल के पास विचार का इतिहास होता है, उस दल को तुम झुका नहीं सकते हो। जानते हैं मोदी जी सुबह सुबह 15 अगस्त को उठ करके तैयार हो करके बढ़िया सूट उट पहन करके बाल वाल सेट करा लिए थे, बुढ़ापे में भी जो है बाल का बहुत ध्यान रखते हैं, और वहां गए और जाते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये क्यों बार बार परिवारवाद बोल करके कांग्रेस पे हमला करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है, सच बात बता रहे हैं आपको। और दूसरा,
इन्होंने सब कुछ कर लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए दो दो प्रधानमंत्री की जान गवाई हो, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो? अरे जब बोलते हो ना तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। अगर शर्म होती ना तो यह बोलने की हिम्मत नहीं करते। नेहरू के बारे में व्हाट्सएप मैसेज फैलाते हो कि नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अगर नेहरू नहीं होते ना, एक इंसान को एक इंसान के वोट का अधिकार नहीं मिला होता ना, तो आपको लगता है मोदी जिस गर्व से कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाता, संभव था ये? अगर कांग्रेस 70 साल तक इस देश की जमहूरियत को बचा करके नहीं रखती, तो जयशाह का बाप तरीपार होने के बाद देश का गृहमंत्री बन पाता? खेला कर रहे हो। यह सच्चाई आज न कल इंसान के सामने आएगी, क्योंकि सच और झूठ में एक फर्क होता है। झूठ को चाहे आप कितनी बार भी बोल लीजिए, लेकिन वो सच को नहीं दबा सकता है। और सच की ताकत यह होती है कि आप उसको जितना दबाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप उठ करके वो सामने खड़ा हो जाता है। और आप देखिए कि जब राहुल जी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो का संकल्प लेकर के चलना शुरू किए, तो भाजपा के नेताओं की धड़कन बढ़ने लगी और कहना शुरू करते हैं कि अरे भाई मान गए, ये आदमी तो पप्पू नहीं है। खुद ही बोलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ खर्च किया उस इंसान को बदनाम करने के लिए, हजारों करोड़ खर्च किया उस इंसान को पप्पू साबित करने में, और उसने कुछ नहीं किया। उसका जो नाम है ना, राहुल और गांधी, राहुल को उन्होंने भुला दिया और गांधी को अपना करके चलना शुरू कर दिया। और इस कदम वो बढ़ाते गए, कारमा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और आप तमाम जो कोल्हापुर के लोग हैं, आप जानते हैं कि 700 किलोमीटर यहां से चल करके हिंगोली में आप लोग भारत जोड़ो यात्रा का साक्षात जो है दर्शन किए हैं, उसमें शामिल हुए हैं। सच की एक ताकत होती है कि सच को आप नहीं छुपा सकते हैं। और सच यह है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है साहस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है एकता। यह जो तीन चीज है, सत्य, साहस और एकता, यह हमारी पहचान है। झूठ, नफरत और विभाजन, यह उनकी पहचान है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह लड़ाई इस मुल्क में दो सोच की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आप सच के साथ खड़े हैं कि झूठ के साथ खड़े हैं। बताइए, समता भूमि के तमाम नागरिकों से मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सत्य के साथ खड़े हैं? नहीं, सत्य की आवाज थोड़ी और बुलंद होती है। सत्य के साथ खड़े हैं ना? अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो यह जो नकली चाणक्य है ना, नकली चाणक्य को पहचानते हैं कि नहीं? अरे वही फादर ऑफ जयशाह, वो अपने आप को जो है चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य जो है ना, सूटकेस लेकर के घूमते रह जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग इनके झूठ को धूल चटाएंगे, इनको जरूर हराएंगे, इस बात का हमको भरोसा है। और इस बार ये देखना ही नहीं है, इस बार यह नहीं देखना है कि किसका फेटा कैसा है, किसका कुर्ता कैसा है, किसका जो है सिंबल कैसा है। सिर्फ एक बात देखना है कि जो झूठ बोल रहा है, जो आपको डरा रहा है और जो नफरत फैला रहा है, वो भाजपा ही है। जो सच बोल रहा है, जो लोगों की एकता की बात कर रहा है, क्योंकि एकता की बात गांधी करते थे। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और यह जो सबको सन्मति का जो भाव है,
वो सबको सन्मति का भाव, सिर्फ गांधी का भाव नहीं है, वही भाव साहू जी महाराज का भाव है, वही भाव संत तुकाराम का भाव है, वही भाव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाव है, वही भाव फूले का भाव है, वही भाव इस देश में नानक का भाव है, कबीर का भाव है, इस देश के भीतर जो त्याग और तपस्या का भाव है, वह भाव है सबको साथ लेकर चलने का भाव। और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, कोल्हापुर के एक एक नागरिकों को इसके बारे में मालूम है, क्योंकि साहू जी महाराज ने किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। तो यह जो सबको साथ लेकर चलने का भाव है, यह जो एकता का भाव है, इस भाव को हमको बचाना है, जो प्रेम का भाव है उसको हमको बचाना है, जो सत्य के प्रति हमारी निष्ठा है उसको हमको बचाना है। और यह हमको इसलिए बचाना है कि जो पुरखों ने मिट्टी हमारे हाथ में सौंपी है, जो पुरखों ने संविधान हमारे हाथ में सौंपा है, जो पुरखों ने जमहूरियत और लोकतंत्र हमारे हाथ में सौंपा है, इसको हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि जब हम इस जमहूरियत को बचाएं तो कल को उस जमहूरियत को का इतिहास पढ़ने वाले यह लोग समझ सकें, पढ़ सकें कि देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन उस आजादी को बचाए रखने का आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। इस आजादी को हमको बचाना है। और जनता के जो मूल सवाल हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो इधर उधर की बात करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि इतिहास का झूठ आपके सामने ला करके परोसेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि आपको डराने का कोशिश करेंगे। डर का मैसेज आता है कि नहीं आता है? डर का मैसेज आता होगा कि अब्दुल को 11 भाई बहन है, यह मैसेज आता है कि नहीं आता है? कल को अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो यहां संविधान समाप्त हो जाएगा और सरिया कानून लागू हो जाएगा, ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि नहीं आता है? आता है ना। यह डर क्यों फैलाया जाता है? यह डर इसलिए फैलाया जाता है ताकि आप ये ना सोच सकें कि अंबानी की एक दिन की आमदनी में 75 लाख मनरेगा मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है, ताकि आप ये ना सोच सकें कि अदानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं, ताकि आप ये ना सोच सकें कि देश का 99% ठीका एक परिवार को दिया जा रहा है, ताकि आप ये ना सोच सकें कि परिवारवाद इधर गलत है और परिवारवाद उधर सही हो जाता है। अजीत दादा पवार जब महाविकास अघाड़ी में थे तो 75,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया, जी ही भाजपा में जाकर के शामिल हो गए तो इलेक्शन डिपार्टमेंट लगता है नींद की गोली लेकर के सो गया है, या हो सकता है अजीत दादा के घर का रास्ता भूल गया हो, उसको एड्रेस नहीं मालूम हो। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को हमको समझना पड़ेगा। वो हमको जाति और धर्म में उलझा करके हमारा वोट ले रहे हैं, और जब उनको गद्दी मिल रहे हैं तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिलायत भेज रहे हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। यह सवाल हमारे सामने गंभीर है और इस गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा। और जो सद्भावना का संकल्प हमने राजीव जी को याद करते हुए खाई है, उस संकल्प को, उस कसम को हमको पूरा करना पड़ेगा। हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान किसी व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ बोल रहा हो, उस झूठ का हमको मुकाबला करना पड़ेगा। किसी चाय की दुकान पे कोई नफरत फैला रहा हो, उस नफरत का हमको मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में कोई अगर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हो, उस झगड़े के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। किसी कमजोर के ऊपर कोई ताकतवर अगर अत्याचार कर रहा हो, तो उस अत्याचार के ऊपर हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है यही महात्मा गांधी की राह पर चलना है, यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राह पर चलना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तभी हम राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, जब उनके द्वारा बनाए गए भारत का हम निर्माण कर सकें, उनके द्वारा जो भारत हमारे हाथ में सौंपी गई है उसका हम रक्षा कर सकें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बेहतर भारत हम दे करके जा सकें, और हमारी आने वाली पीढ़ी कल को उन्हीं झगड़ों में नहीं उलझे
जिन जगरों में हमारे पुरखे उलझे रहे हैं। हमको इस देश में दोबारा जात और धर्म का झगड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, और हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के चाहे किसी भी हिस्से में रहे हों, इस मिट्टी से हमको प्यार है और इस मिट्टी को हमको हर हाल में सुरक्षित रखना है, एकजुट रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज दे करके जाना है। इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः पूरे मंच को आभार व्यक्त करते हुए, और आप इतनी देर तक हमारी वाणी को सुने, हमारी बात को सुने, आपको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।